हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शागुतास किचन। आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही क्विक और इजी डिनर रेसिपी, आलू गोभी की सब्जी। 4 से 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर तेल गर्म कर लिए है। दे रही हूँ 1/2 टेबलस्पून के करीब नमक, 2 बड़े साइज़ के आलू। मिक्स करेंगे, आलू को हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए हल्की ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और उठा लेंगे। उसी तेल में एक मीडियम साइज की गोभी मिक्स करेंगे और इसको भी हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए हल्की ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और उठा लेंगे। तेल बहुत ही कम होने के लिए दे रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल, 1 तेज पत्ता, 1 टीस्पून जीरा, 2 मीडियम साइज के प्याज चॉप की हुई। मिक्स करेंगे, प्याज को हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए सॉफ्ट और ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। 1 मीडियम साइज के टमाटर मिक्स करेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। 1 टीस्पून भर के अदरक के सावा, आप चाहे तो अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्स करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर मिक्स करेंगे। मसालों को लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे, इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छी आएगी। अब इनमें थोड़ा ही पानी देंगे 2 टेबल स्पून के करीब, और मसालों को हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले भून चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है और ये पूरी पेस्ट की तरह लग रहे हैं। इनमें अब फ्राई की हुई आलू देंगे, मिक्स करेंगे। उसी बर्तन को धोकर थोड़ा सा ही पानी 2 टेबलस्पून के करीब मिक्स करेंगे। आधा कप के करीब पानी मिक्स करेंगे और इनको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। अब इनमें हम जैसी ग्रेवी चाहते हैं उसे हिसाब से ही पानी देंगे और मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा ही ज़्यादा पानी दिए हैं, कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इनमें फ्राई की हुई गोभी दे देंगे, मिक्स करेंगे। और फिर से इनको ढककर पकाएंगे हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। एक बार मिक्स करेंगे। इसकी ग्रेवी मैं यही रख रही हूँ, आप चाहे तो इसको और भी ड्राई बना सकते हैं या फिर पतली भी। आलू और गोभी दोनों ही बॉयल हो चुके हैं। आखिर में दे रही हूँ 1 टीस्पून के करीब घी, गरम मसाला पाउडर 2 से 3 पिंच। मिक्स करेंगे और इसको गर्म ही हम सर्व करेंगे। रात को रोटी या राइस के साथ आप इसको परोस सकते हैं। घर में ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कैसी बनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।